दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। दोस्तों, रेल के सफर में अचानक ट्रेन के स्टेशन पे आने या किसी जगह अचानक रुक जाने पर आप ये जरूर सोचते होंगे कि इतनी बड़ी ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता होगा, किस मैकेनिज्म पे काम करता होगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इस चैनल पर मेरी उम्र से कुछ बड़े लोग भी हैं और मेरी उम्र से कुछ छोटे लोग भी हैं, पर मैं बहुत बड़े दिल से आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबके इस प्यार भरी उम्मीद को कायम रखूँ और ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँ। दोस्तों, बात करें आज के टॉपिक की, तो इतने बड़े ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के वर्किंग के बारे में सुनकर ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होगा इसके पीछे, पर सच में ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने साइकिल चलाया होगा तो आप ये जरूर जानते होंगे कि साइकिल में ब्रेक कैसे लगती है। हमने ब्रेक दबाया और व्हील्स पे लगे ब्रेक पैड रिंग से चिपक जाते हैं जिससे साइकिल रुक जाती है। ये तो बहुत आसान था, पर ट्रेन में क्या? ट्रेन के व्हील्स में भी ऐसे ही ब्रेक पैड होते हैं। जब पायलट ब्रेक लगाता है तो ये ब्रेक पैड व्हील से चिपक जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। ये भी तो आसान था, इसमें और क्या? दोस्तों, इसमें अभी बहुत कुछ जानना है, आइए समझते हैं। दोस्तों, ट्रेन में सिर्फ एक जगह से ही ब्रेक नहीं लगते। अगर आप ये सोचते होंगे कि बस पायलट लोकोमोटिव के ब्रेक लगाता होगा और ट्रेन रुक जाती है, तो आप गलत हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन में अगर बस लोकोमोटिव में ब्रेक लगाए जाएं तो लोकोमोटिव से जुड़े सारे कोचेस डीरेल हो सकते हैं। आप जरा ये सोचिए कि आपने अपनी कार के पीछे एक और कार को बांध रखा है और आप जो कार आगे है उसे ड्राइव कर रहे हैं, फिर अचानक से आपने अपनी कार में ब्रेक लगाया। इससे क्या आपके पीछे वाली कार जो आपके कार से जुड़ी है वो रुक जाएगी? नहीं, वो नहीं रुकेगी, वो आपके कार से टकरा जाएगी। हाँ, अगर आपके पीछे वाली कार में कोई बैठा हो और वो भी आपके साथ साथ ब्रेक लगाए तो फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों, ट्रेन में भी बस लोकोमोटिव में ब्रेक्स ना होकर सभी कोचेज में अलग अलग ब्रेकिंग मैकेनिज्म होते हैं। दोस्तों, वैसे तो ट्रेन्स में दो तरह के ब्रेक्स का यूज होता है, एक वैक्यूम और दूसरा है एयर ब्रेक्स, पर अब ज्यादातर ट्रेन्स में एयर ब्रेक का यूज होता है। इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली एयर ब्रेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, एयर ब्रेक्स मैकेनिज्म के कुछ मेन पार्ट्स हैं जैसे कंप्रेसर, मेन रिजर्वायर, पायलट ब्रेक वॉल्व, ब्रेक पाइप, फीड पाइप, ट्रिपल वॉल्व, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक पैड्स। दोस्तों, ये एक नॉर्मल डायग्राम है एयर ब्रेक मैकेनिज्म का। आइए अब इसके एक एक पार्ट के वर्किंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एयर कंप्रेसर के हेल्प से एटमोस्फेयर के एयर को मेन रिजर्वायर में भरते हैं और यहाँ पे एयर बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। पायलट ब्रेक वॉल्व वो सिस्टम होता है जहां से पायलट ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहां से पायलट ट्रेन ब्रेक वॉल्व को कुछ पोजीशन पे सेट करता है। कुछ पोजीशन है जैसे रिलीज, रनिंग, लैप, एप्लीकेशन और इमरजेंसी। पायलट वॉल्व को पायलट अलग अलग पोजीशन पे सेट कर ब्रेक पाइप में एयर की डेंसिटी को बढ़ाता या घटाता है। अगर प्रेशर घटाया गया तो ट्रेन के ब्रेक्स लग जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। वही एयर प्रेशर के बढ़ने पर ट्रेन के ब्रेक्स फ्री हो जाते हैं। ट्रिपल वॉल्व, दोस्तों यहाँ एयर को गाइड किया जाता है कि उसे कहाँ जाना है, ब्रेक सिलेंडर में, ऑक्सिलरी रिजर्वायर में या एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाना है। दोस्तों, अगर ब्रेक पाइप पे प्रेशर ज्यादा हुआ तो ट्रिपल वॉल्व के अंदर साइड वॉल्व पीछे की तरफ पुश हो जाती है और हाईली कंप्रेस्ड एयर फीड ग्रुप के हेल्प से ऑक्सिलरी रिजर्वायर में चली जाती है। दोस्तों, ऑक्सिलरी रिजर्वायर में हाईली कंप्रेस्ड एयर को स्टोर किया जाता है जो बाद में ट्रेन के ब्रेकिंग और रिलीजिंग में काम आता है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि जब एक चलती ट्रेन को कई बार रुकना पड़ता है और बार बार रुकने से कंप्रेस्ड एयर बार बार पाइप से निकल जाती है या कई बार ब्रेक पाइप में कोई लीकेज हो तो काफी मुश्किलें आती हैं। इसलिए ट्रेन में हमेशा कंप्रेस्ड एयर नॉर्मल बनाए रखने के लिए फीड पाइप की हेल्प ली जाती है जो कंटिन्यूसली इस रिजर्वायर में कंप्रेस्ड एयर भरता रहता है। फीड पाइप अटैच होती है डिस्ट्रीब्यूटर या ऑक्सिलरी रिजर्वायर से जो कि बस वन वे होती है, यानी फीड पाइप से एयर बस इस रिजर्वायर में जा सकता है, रिजर्वायर या डिस्ट्रीब्यूटर से एयर कभी भी फीड पाइप में नहीं आ सकता। ब्रेक सिलेंडर ही वो पार्ट है जिससे ब्रेक पैड्स अटैच होते हैं और यही अल्टीमेटली ट्रेन के व्हील्स को रोकते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक ओवरव्यू इन पार्ट्स की। अब जानते हैं कि आखिर ब्रेक लगते या रिलीज करते वक्त क्या होता है। दोस्तों, ट्रेन के कंट्रोल के बारे में बताना रेले पॉलिसी के खिलाफ है और दोस्तों मैं यहाँ आप सबको जो भी बात बता रहा हूँ वो ऑनलाइन पढ़े सोर्स से है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, बस मैं आप सबको थोड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रेन जब स्टेशन पे या कहीं रुकती है तब क्या होता है। जब ट्रेन रुकी ही होती है तो ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर बहुत कम होता है और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर कम हो गया,
पायलट ने ब्रेक वाल्व को एप्लीकेशन पोजीशन पे सेट किया है। ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर कम है पर ऑक्सिलरी रिजर्वायर में एयर प्रेशर ज्यादा है, तो वहां से एयर तेजी से ट्रिपल वाल्व में लगे साइड वाल्व को पुश करेगी, जिससे ब्रेक सिलेंडर में जाने का रास्ता खुल जाएगा और एयर तेजी से ब्रेक सिलेंडर की तरफ जाते हुए उसमें लगे पिस्टन को पीछे की तरफ पुश करेगी और पिस्टन से अटैच्ड ब्रेक पैड्स व्हील से चिपक जाएंगे और ट्रेन रुक जाएगी। इस पोजीशन में ट्रेन रुक जाती है। अब ट्रेन को रोके रहने के लिए पायलट ब्रेक वाल्व को लैप पोजीशन पे सेट करता है। यहाँ पे होता कुछ नहीं है, पायलट बस यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर वाले होल को उसी पोजीशन पे लॉक कर देता है ताकि ट्रेन रुकी रहे। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड वॉल फीड ग्रुप के आगे है, जिससे ऑक्सिलरी रिजर्वायर में ना तो एयर जा सकती है और ना ही वहां से एयर बाहर निकल सकती है, और साथ ही साथ ब्रेक सिलेंडर की तरफ जाने वाला होल भी बंद हो चुका है, जिससे ब्रेक सिलेंडर में भरा एयर बाहर नहीं निकलता और ब्रेक पैड व्हील से चिपके रहते हैं। अब ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए पायलट अपने केबिन में ब्रेक वाल्व को रिलीज पोजीशन में सेट करेगा। यहाँ पे ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और कंप्रेस्ड एयर ट्रिपल वाल्व की तरफ तेजी से आएगा और साइड वाल्व को पीछे की तरफ पुश करेगा, जिससे साइड वाल्व पीछे की तरफ पुश हो जाएगा और फीड ग्रुप से होते हुए कंप्रेस्ड एयर ऑक्सिलरी रिजर्वायर में चला जाएगा। साइड वाल्व के पीछे होते ही ब्रेक सिलेंडर का होल और एग्जॉस्ट का होल कॉमन हो जाएगा, जिससे ब्रेक सिलेंडर में भरा कंप्रेस्ड एयर तेजी से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर से एयर पीछे की तरफ निकली, जिससे पिस्टन में लगे स्प्रिंग ने फिर से उसे अपने रियल पोजीशन पे ला दिया और ब्रेक पैड्स जो व्हील से चिपका था वो भी रिलीज हो गया। अब ट्रेन आगे चलने को तैयार है। ये तो बात थी एयर ब्रेक की। दोस्तों वैक्यूम ब्रेक में ज्यादा कुछ नहीं, ठीक इसका अपोजिट होता है। एयर ब्रेक में कंप्रेस्ड एयर को अंदर ब्रेक पाइप में डालते हैं, वही वैक्यूम ब्रेक में एग्जॉस्टर की हेल्प से ब्रेक पाइप में वैक्यूम क्रिएट करते हैं और जब तक ब्रेक पाइप में वैक्यूम रहता है तब तक ट्रेन चलती रहती है और जैसे ही उसमें हवा भरती है ट्रेन रुक जाती है। सेम जैसे एयर ब्रेक्स के ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर ज्यादा होने पर पिस्टन पीछे की तरफ पुश होता है और ब्रेक पैड व्हील से चिपक जाते थे, वैसे ही वैक्यूम ब्रेक्स में जब ब्रेक सिलेंडर में एयर भरती है तो पिस्टन आगे की तरफ पुश हो जाता है और ब्रेक पैड व्हील से चिपक जाता है। दोस्तों अगर एयर ब्रेक्स की वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी तो वैक्यूम ब्रेक्स को समझना मुश्किल नहीं है। दोस्तों और सिंपल तरीके समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। यहाँ पे सबसे पहले एग्जॉस्टर है जो अंदर की हवा को बाहर निकालता है और पाइप में वैक्यूम बनाए रखता है। उसके बाद ये पाइप पायलट ब्रेक वाल्व की तरफ आती है। यहाँ पे भी पायलट एयर के प्रेशर को कम या ज्यादा करता है। पायलट ब्रेक वाल्व से दो पाइप निकली, एक गई ब्रेक पाइप में और एक गई रिजर्वायर पाइप में। रिजर्वायर पाइप भी ब्रेक पाइप की तरह ही होती है, बस फर्क इतना है कि ब्रेक पाइप जहां मेन रोल प्ले करती है ट्रेन के ब्रेक्स में, वहीं रिजर्वायर पाइप एक तरह से उसकी देखरेख करती है, मतलब रिजर्वायर पाइप ब्रेक पाइप में वैक्यूम बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों एयर ब्रेक्स में भी फीड पाइप या रिजर्वायर पाइप थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कंप्रेस्ड एयर के अमाउंट को मेंटेन रखती है ताकि ट्रेन के फ्रीक्वेंट ब्रेक लगने पर भी ब्रेक पाइप में कंप्रेस्ड एयर की न्यूट्रलिटी बनी रहे। दोस्तों पैसेंजर ट्रेनों में ज्यादातर ये दो पाइप्स होती हैं, पर गुड्स कोचेज में आपको बस एक ही पाइप दिखाई देंगी। अब आते हैं अपने डायग्राम पर। दोस्तों वैक्यूम ब्रेक में ब्रेक पाइप से अटैच होती है ब्रेक सिलेंडर और यहीं पे असली काम होता है ब्रेकिंग या रिलीजिंग का। ये एक डायग्राम है ब्रेक सिलेंडर का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेक पाइप सीधा जुड़ी है ब्रेक सिलेंडर से और ब्रेक सिलेंडर में एक पिस्टन भी है जो जुड़ा है ब्रेक पैड से। दोस्तों अब इस पोजीशन पे ब्रेक सिलेंडर में कोई हवा नहीं है, एकदम वैक्यूम है, इसलिए पिस्टन भी रिलीज मोड में है, जिससे ट्रेन के ब्रेक खुले हुए हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो जैसे ही बाहर की हवा इस ब्रेक सिलेंडर में जाती है पिस्टन ऊपर की तरफ उठने लगता है और ब्रेक पैड आगे की तरफ निकल कर व्हील से चिपक जाता है और ट्रेन में फाइनली ब्रेक लग जाता है। दोस्तों वैक्यूम ब्रेक्स बहुत सिंपल और इजी मैकेनिज्म है इन कम्पेयर टू एयर ब्रेक्स। वैक्यूम ब्रेक्स ज्यादा कॉस्टली नहीं है, पर वैक्यूम ब्रेक्स में बहुत सारी खामियां भी हैं। जैसे वैक्यूम ब्रेक्स वाले ट्रेन को रुकने के लिए ज्यादा वक्त लगता है, वैक्यूम ब्रेक ज्यादा सेफ नहीं है और वक्त के साथ साथ ब्रेक्स की एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता है। वहीं एयर ब्रेक्स ज्यादा फास्ट, एफिशिएंट और रिलायबल होते हैं। दोस्तों बात करें चेन पुलिंग की तो वो भी इसी तरह से काम करता है। जैसे लोको केबिन में बैठा लोको पायलट एयर प्रेशर कम या ज्यादा कर ट्रेन को रोक या चला सकता है, ठीक वैसे ही ट्रेन कोचेस में बैठे पैसेंजर चेन पुल करके ट्रेन को बस रोक सकते हैं। इसमें चेन जिसे हम पुल करते हैं वो अटैच्ड होती है इन ब्रेक पाइप से। वैक्यूम ब्रेक में एक अलग क्लैप वॉल्व जुड़ी होती है इन पाइप से। चेन खींचने पर ये वॉल्व पाइप से निकल जाती है और उस वैक्यूम ब्रेक पाइप में बाहर की हवा तेजी से अंदर आ जाती है। ब्रेक पाइप में हवा भरते ही ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन आगे की तरफ पुश हो जाता है और पिस्टन से अटैच्ड ब्रेक पैड व्हील से चिपक जाते हैं।
सेम चीज ऐसा ही होता है एयर ब्रेक्स में, पर ठीक उसका उल्टा। यहाँ पे ब्रेक पाइप में चेन पुल करने से प्रेशर कम हो जाता है और बाकी की डिटेल्स आपने देखा है अभी। दोस्तों जहाँ वैक्यूम ब्रेक में बाहर की हवा अंदर आती है तो ट्रेन रुक जाती है, वहीं एयर ब्रेक में अंदर की हवा जब बाहर जाती है तो ट्रेन रुक जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ट्रेन में ब्रेक्स कैसे लगते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आइडिया तो जरूर मिल गया होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।